नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस दिन मिलेगा 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। भूमिहीनों को जमीन दे रही है सरकार। बिहार में खुल रहा रोजगार का नया द्वार। विधान परिषद चुनाव में 7 उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस दिन मिलेगा 32,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग ने बीते दिन संशोधित स्केड्यूल जारी कर दिया है। बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 32,700 पदों पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिला परिषद नियोजन इकाई ये प्रक्रिया 27 जुलाई को पूर्ण करेगी। आपको बता दें कि 22 जुलाई तक नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित मेधा सूची विद्यालय एवं विषयवार NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसलिंग 25 जुलाई तक, नगर निकाय नियोजन इकाई में 26 जुलाई को होगी। वहीं चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर मेधाक्रम में नियोजन पत्र 30 जुलाई को जारी होगा। भूमिहीनों को जमीन दे रही है सरकार। बिहार सरकार ने ठान लिया है कि राज्य की गरीब जनता को कम से कम 2 वक्त की रोटी और एक छत जरूर मुहैया कराई जाएगी। इसी क्रम में बिहार सरकार करीब 2 वर्षों से गरीबों को राशन उपलब्ध करा रही है। वहीं जरूरतमंद गरीबों को 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। साथ ही भूमिहीनों को अब जमीन भी सरकार दे रही है। दरअसल राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत रॉय ने कहा कि जिले के रजौन प्रखंड में 8 एकड़ जमीन पर गरीबों के लिए स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। उसका नाम मोदी और नीतीश नगर रखा जाएगा। बांका जिले का मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि का पर्चा देने का काम शुरू कर दिया गया है। रेल यात्री स्केड्यूल जानकर ही करें यात्रा का आयोजन। रेल यात्रियों के लिए अहम खबर है कि अगले कुछ दिनों तक ट्रेनों की आवाजाही दिल्ली गाजियाबाद टुंडला रेलखंड पर बन रहे रोड ओवरब्रिज के कारण बाधित रहेगी। इस वजह से कई ट्रेनें निरस्त तो कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन करने का फैसला किया गया है। दरअसल उत्तर रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हावड़ा दुरंतो नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति आनंद विहार टर्मिनल, भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस को 2 जुलाई को मार्ग परिवर्तित करने का फैसला किया गया है। वहीं कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं भारतीय रेलवे 15 जून को आयोजित होने वाली RRB परीक्षा को देखते हुए पटना बिहार से आगरा कैंट उत्तर प्रदेश और हावड़ा पश्चिम बंगाल और समस्तीपुर बिहार और कोलकाता पश्चिम बंगाल के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। हालांकि यात्रियों से अनुरोध है कि यह संक्षिप्त जानकारी है, विस्तृत जानकारी के लिए आप रेलवे की तरफ से जारी की गई समय सारणी को एक बार जरूर देखें। उत्तर बिहार के सुहाना मौसम से जल रहे हैं दक्षिण बिहार के लोग। उत्तर बिहार के जिलों में 2 दिनों से मौसम में नरमी बनी हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूर्वा हवा भी चल रही है। बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान है। इस बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने मौसम विभाग की तरफ से बताया है कि पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। उसके बाद मॉनसून के आगमन की संभावना के कारण वर्षा की संभावना में वृद्धि होगी। हालांकि दक्षिण बिहार की स्थिति राजस्थान के मरुस्थल जैसी हो गई है। सूरज की तपिश से लोगों का हाल बेहाल है। अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। 13 जून को उत्तर बिहार में मॉनसून के प्रवेश का पूर्वानुमान है। दक्षिण बिहार क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत तभी मिल सकती है। बिहार में खुल रहा रोजगार का नया द्वार। रोजगार की तलाश में अब लोगों को बिहार से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। आने वाले कुछ सालों में बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में राज्य में चिप्स, स्नैक्स और मसाला के 4 उद्योग लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि केले, आलू के चिप्स और मक्का आधारित स्नैक्स और मसालों का प्रसंस्करण करने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 4 परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की परियोजना के तहत 21.33 करोड़ की इन परियोजनाओं को 1.51 करोड़ की कुल अनुदान राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें पटना, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और वैशाली क्षेत्र में लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये बनेगा बिहार का मॉडल नदी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और बिहार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू का आज गरीब कल्याण सभा में शामिल होते उनको देखा गया। इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि पूर्णिया का सौर राज्य का मॉडल नदी बनेगा। बता दें कि सौर नदी पूर्णिया शहर होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और पूर्णिया समेत आसपास के क्षेत्रों के लिए भी पानी का एक बड़ा स्रोत है। ये आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। पूर्णिया के 2 महत्वपूर्ण मंदिर पूरन देवी और काली मंदिर ये सौर नदी किनारे ही स्थित है। बिहार के आलोक बने देश के सबसे बड़े बैंक के MD। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के MD के तौर पर बिहार के आलोक कुमार की नियुक्ति की गई है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के चकमेहसी थाना क्षेत्र के नीमा चक हैदर गांव के शिक्षक पुत्र आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के MD के पद पहुंच
पहुंचने वाले वो बिहार के तीसरे कर्मचारी है। उनकी नियुक्ति को लेकर SBI के GM संजय प्रकाश ने बताया है कि कुशल प्रशासक और वित्तीय मामलों की गहरी जानकारी रखने वाले अधिकारियों में से एक है। आलोक कुमार इस पद पर जून 2024 तक रहेंगे। आलोक स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद पहले वो PNB में अफसर बने, SBI का MD बनने से गांव में खुशी की लहर है। विधान परिषद चुनाव में 7 उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। बिहार में विधान परिषद चुनाव की गहमा गहमी जारी है। गुरुवार को इसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी। वहीं रिक्त हो रही सीटों के जदयू, भाजपा और राजद द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों का निर्विरोध रूप से चुना जाना लगभग तय है। दरअसल विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अब तक 7 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। नामांकन की आखिरी तारीख में भाजपा और जदयू की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजद की तरफ से 3 उम्मीदवार पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अब इनके नामांकन पत्रों की जाँच होगी। अब 8वें उम्मीदवार की उम्मीद पूरी तरह से खत्म है कि अब इसके लिए मतदान की उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में ये सभी उम्मीदवार अब निर्विरोध चुने जाएंगे। अब सोमवार को इन सभी दलीय उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। गिरिराज सिंह समेत बिहार के 23 मंत्रियों की आज कोर्ट में हुई पेशी। 2014 मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक जाम पर और ट्रेन रोकने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 23 लोगों की आज विशेष MP MLA कोर्ट में पेशी हुई है। इसमें गिरिराज सिंह के साथ बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत रॉय, वैशाली सांसद वीना देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार समेत 23 लोग शामिल थे। वहीं इस मुकदमे को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि साल 2014 में रेलवे के द्वारा एक झूठा मुकदमा किया गया था। उन्होंने कहा कि हम 23 लोगों पर झूठा आरोप लगाया गया था। 2014 का केस था, रेलवे ने झूठे आरोप लगाकर केस को किया था। मजिस्ट्रेट के सामने हम सभी ने बयान दिया है। राष्ट्रपति के चयन को लेकर वोटों का हिसाब किताब शुरू। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी क्रम में चुनाव आयोग ने देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए बीते दिन स्केड्यूल जारी कर दिया। राष्ट्रपति के चयन को लेकर अभी से ही हिसाब किताब शुरू हो चुका है। इसी बीच देखा गया कि बिहार से राष्ट्रपति चुनाव के 81,239 वोट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट भाजपा कोटे से हैं। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट वैल्यू देश भर में 700 है। इस प्रकार बिहार के सांसदों के वोट का मूल्य 39,200 है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में राजनीतिक दलों की वोटों की तुलना करें तो सबसे अधिक वोट भाजपा के पास है। वहीं दूसरे नंबर पर जदयू तो तीसरे नंबर पर राजद के वोटर है। शराबबंदी के बावजूद बिहार की ये है स्थिति। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी अवैध शराब की बिक्री कम नहीं हो रही है। शराब के धंधों के खिलाफ एक्शन के लिए बनी एंटी लीकर टास्क फोर्स ने पिछले 5 महीनों में करीब 8 लाख लीटर शराब बरामद की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब की भट्टियां भी ध्वस्त की गई और करीब 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई के बीच ALTF ने 3,42,960 लीटर देसी और 4,45,904 लीटर विदेशी शराब जब्त की। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 7,88,864 लीटर शराब बरामद की गई है। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ये पता चलता है कि कोरोना के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,584 नए मामले सामने आए हैं। 24 लोगों की जान भी गई है। वहीं बिहार में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार 77 है। वहीं राज्य में 77,875 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 14 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जिसमें राजधानी पटना में सबसे अधिक 7 मामले मिले। वहीं औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर, सिवान और पश्चिम चंपारण में एक एक कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। एक बार फिर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद पर बिठाने पर सियासत गर्म। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग में बीते दिन पूरा स्केड्यूल जारी कर लिया गया है और इसके साथ ही बिहार में एक बार फिर से नई सियासी बहस शुरू हो गई है। इस बहस को हवा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने अपने बयानों से दे दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में राष्ट्रपति बनने की सभी योग्यताएं हैं। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति बनते हैं बल्कि बिहार की जनता को भी खुशी होगी। वहीं VIP नेता मुकेश सहनी ने भी कहा कि बिहार के लिए ये गर्व की बात होगी। आपको याद होगा कि ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार को आगे किया गया है। इससे पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन इसके बाद में नीतीश ने खुद इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अधर में लटकी है लालू यादव की सिंगापुर जाने की उम्मीदें। लालू प्रसाद कल अपना 75वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। उन्हें और उनके परिवार को पूरी उम्मीद थी कि जन्मदिन से पहले उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ही उनके लोअर कोर्ट के वकील उज्ज्वल सहाय के निधन की खबर सामने आ रही है। उज्ज्वल सहाय लंबे समय से लालू के केस की पैरवी करते रहे हैं। लालू प्रसाद के वकील के निधन के कारण आज होने वाली सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 14 जून को इस बात का फैसला होगा कि लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं
या नहीं। यजुवेंद्र चहल के पहले T20 में 4 ओवर पूरे नहीं डालने पर जहीर खान ने निकाली भड़ास। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भारत की 7 विकेट की हार के बाद क्रिकबज से बातचीत करते हुए जहीर खान ने कहा कि चहल शायद मेजबान टीम के पक्ष में मैच मोड़ देते। उन्होंने कहा कि दूसरे हाफ में लेग स्पिनर अहम विकेट दिला सकते हैं। जहीर खान ने कहा कि चहल के कोटे के पूरे ओवर नहीं उपयोग करना ऐसी चीज है जिस पर पंत को ध्यान देने की जरूरत है और टीम प्रबंधन को इस बारे में बात करना चाहिए। जहीर खान ने आगे कहा कि भारतीय टीम को जरूरत थी कि मैच जीतना है तो विकेट गिराए, ये फैसला आपके हाथ में था। शायद अक्षर पटेल के आखिरी ओवर ने पंत को संकेत दिया हो कि स्पिन सही विकल्प नहीं है, मगर चहल की क्षमता ज्यादा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनू कुमार, शंकर मुखिया, मीना कुमारी, रमेश कुमार, रंजीत यादव, अजय कुमार, रंजीत मिश्रा, नीलेश प्रकाश, कविता कुमारी, निशा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आप भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।